درب الأنبياء بل اسم مقام كان نامته ريع الرصفة يا شعيب الرصفة. ये यदा और हुफा के माबेन, पीछे हमारे गुजरा अल-मुंबजिस और आगे आएगा फलूब, जो रिया और रस्फा जो है ये इन दोनों मनाजिल के माबेन है। भी अल्लाह जानता है कि पहाड़ों के बीच में ये जो रास्ता है पहले से ऐसे था या बाद में इसको पहाड़ काट के निकाला गया। रीढ़ के नाम से तो ऐसा समझ में आता है कि ये पहाड़ जुड़ा हुआ था, ऊपर से ही लोग गुजरते थे। रीढ़ उसी को बोलते हैं, ऊंची ऊंची जगह को रीढ़ कहा जाता है। तो नाम से तो ऐसे लगता है कि ये पहाड़ एक था, इसके ऊपर से काफिले गुजरते थे, लोग गुजरते थे। बहरहाल ये दरबुल अंबिया पे है, रीढ़ रस्फा का इलाका। और ये सामने हमारे माशाल्लाह आप देख लें कि जबल कुद्स अल अबियद और कुद्स अल अस्वद का वो आ गया है इल्तिका। लेफ्ट साइड पे जिस पहाड़ में थोड़ी सी सफ़ेदी है वो है कुद्स अल अबियद, और उसके आगे जो थोड़ी जिसमें स्याही दिखाई दे रही है काला है वो है कुद्स अल अस्वद, और उनके माबेन में एक अकबा है जिसको कहा गया हिम्त। इसका जिक्र अर्रामा सुलेमी ने अपनी किताब में किया था कि कुद्स अल अस्वद और कुद्स अल अबियद के दरमियान में जो घाटी है उसका नाम है हिम्त। तो अब हम हुफाह में पहुंच गए, इस बस्ती का नाम है अल हुफाह, और पुराना इसका नाम खैर क़ुरून के ज़माने से जो चला आ रहा था वो था तल्लूब। तो और उसी की नस्बत से इनका इसका एक कुआँ भी मशहूर है बेर तल्लूब, और हम वहाँ इंशाल्लाह भी रुकेंगे इंशाल्लाह।